जी क्वेश्चन नंबर 9 है, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब, इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स, फाइंड द एरिया ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉक्स। अच्छा जी, क्वेश्चन समझना है, जब मैं कंप्लीट कर दूं लास्ट पे आपने जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेना है, ठीक है। अच्छा, एक क्यूब बॉक्स है, क्यूब शेप क्या होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाए, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक वॉल्यूम है और दूसरा क्या है, एरिया है। हमारे पास जो स्केयर होता है ना, स्केयर का लास्ट टाइम हमने एरिया जो है वो डिस्कस किया था। इधर मैं पिक्चर के बजाय सिंपल लिख देता हूँ, स्केयर ये साइड पे आपने ना स्टिकी नोट्स के तौर पे या जर्नल वैसे ही साइड पे बॉक्स सा बना के वहां पे राइट आउट कर लेना। स्केयर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है ए स्केयर, एरिया इक्वल टू क्या होता है, ए स्केयर, यानी कि साइड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये तो हो गया स्क्वायर का। फिर आ जाता है क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम उसका फार्मूला होता है ए की पावर 3। मीन जब भी एरिया फाइंड आउट किया जाता है तो हमेशा लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि ए ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर आया हमारे पास। और जब वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है, वॉल्यूम का एग्जैक्ट जो फार्मूला होता है ना, यहाँ पे नहीं नीचे राइट आउट कर देता हूं, यहाँ पे वॉल्यूम किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि तीनों साइड्स को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब बात आ जाती है कि क्यूब, क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि लेंथ भी अगर फॉर एग्जांपल मैं ए कह दूं, ब्रेथ भी हमारे पास ए होगी और हाइट भी हमारे पास क्या होगी, ए, तीनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब, जो कि ये मैंने फार्मूला राइट आउट किया होगा, क्लियर। अब यहाँ पे वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना है हमारे पास, 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूं, ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना है जी, 2197 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स, इसका एरिया फाइंड आउट करना है बॉक्स की वन साइड। तो एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ए का स्क्वायर चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू चाहिए, ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, जितनी पावर हो उतने टाइम्स उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं वॉल्यूम अगर गिवन है, वॉल्यूम से मैंने ए फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए क्यूब, इसकी जगह मैं राइट आउट कर सकता हूं ए क्यूब ए की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2197, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी ये अब पावर है हमारे पास 3, जब भी कोई पावर हमने खत्म करनी हो तो हमेशा उसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लिया जाता है, क्या लिया जाता है, रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल क्या होता है उसका उलट, अगर फॉर एग्जांपल पावर थ्री है तो दोनों साइड्स पे पावर क्या ले लेनी, वन ओवर थ्री। अगर पावर फोर है तो दोनों साइड पे पावर कितनी हो जाएगी, वन ओवर फोर। अगर पावर वन ओवर थ्री होती तो दोनों साइड्स पे पावर कितनी आ जानी थी, थ्री आ जानी थी। यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है उसकी वैल्यू का उलट, अगर वन ओवर फोर है तो वन ओवर फोर का रेसिप्रोकल क्या होगा, फोर। अगर वन ओवर सिक्स है तो वन ओवर सिक्स का रेसिप्रोकल सिक्स। अगर सिंपल नाइन आ गया, नाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन ओवर नाइन। तो हमने देखा कि अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन ओवर थ्री। तो दोनों साइड्स पे पावर हमने क्या ले ली, वन ओवर थ्री, वन ओवर थ्री। मैथ का रूल है कि पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाना है, ए पावर थ्री मल्टीप्लाई वन ओवर थ्री इक्वल टू, और ये टू वन नाइन सेवन, इसकी पावर वन ओवर थ्री, वन डिवाइडेड बाय थ्री, सेम वही रूल। तो आंसर क्या आया था, 0.33, वन डिवाइडेड बाय थ्री, तो आंसर क्या आया था, 0.33। अब ये देखो थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये कट हो गया। तो ए की वैल्यू क्या होगी के 2197 की पावर कितनी लेनी, वो 0.33। कैलकुलेटर से मैंने लेनी बताई थी आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल वेज में आपने क्या करना है, 2197 राइट करके कैप का साइन, ठीक है, या एक्स के ऊपर वो बॉक्स सा बना हुआ वो साइन प्रेस करना है, और आपके पास उसका इक्वल का आंसर प्रेस कर देना, 2197 पावर 0.33। तो हमारे पास आंसर आया है 12.67। पॉइंट के बाद या टू डिजिट राइट करते हैं या फोर डिजिट राइट करते हैं। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो वन साइड है तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा समय से अब ठीक है। अब मेरे पास साइड तो आ गई, अब मैंने एरिया फाइंड आउट करना है। ये मैं साइड रेज करने लगा हूं बच्चों, क्योंकि ये फार्मूला से मैंने कहा था ये राइट आउट कर लें आप लोग। अब मेरे पास साइड आ गई, अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो मैं इस साइड पे करने लगा हूं, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो मेरे पास एरिया इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 12.67, इसकी पावर कितनी लेनी है, टू। यानी के 12.67 को टू टाइम मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 12.67 से। तो इसे इससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास है 12.67 मल्टीप्लाई 12.67 मल्टीप्लाई 12.67, और ये हमारे पास आंसर आया एरिया। इधर भी एरियल वर्ड आना है, तो एरिया इक्वल टू 160.5289, ये हमारे पास आंसर आ गया। कंप्लीट करें, नोट करें क्वेश्चन को, लास्ट पे जो प्रॉब्लम हो हैंड रेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। एंड ऑफ द बोर्ड सर, सही से एंड पे कैलकुलेटर यहाँ पे आपने एरिया लिखा हुआ है, यस सर यहाँ पे। एक मिनट मुझे गैलरी व्यू में आ लेने दें जी। हमारा आंसर क्या आया था बच्चे, आयत, आयत। बच्चे मुझे बताओ हमारा आंसर क्या आया था जो हमने कैलकुलेशन की थी, वो थी 1.0207। और लास्ट पे आंसर क्या था, पीछे जो है 1.0024। अच्छा, इसमें मैं ना एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास म्यूट कर दे वॉइस, ये एक्स्ट्रा वर्क में करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। म्यूट कर दें सारे बच्चे, अपनी वॉइस म्यूट कर दें।
जी बात आ जाती है हमारे पास कोई भी जो डिजिट होता है ना जो पॉइंट में आ जाता है उसमें टू पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है उसका और एक इमेजिनरी पार्ट होता है उसका। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो कि इंटर लेवल पे आपको बताया जाता है, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारे पास जो रियल पार्ट होता है ना, रियल पार्ट यानी कि हकीकी जिसे कहते हैं, पॉइंट से जो फर्स्ट डिजिट होता है ना हमेशा वो रियल पार्ट होता है, उसे कहते हैं रियल पार्ट। कि हमारे पास अगर ये सेंटीमीटर में वैल्यू हो ना या मीटर में वैल्यू हो तो मुझे पता है कि मैं 1 मीटर मैंने एग्जैक्ट यहां तक डिस्टेंस कवर करना है, 1 मीटर तक एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद पॉइंट्स के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, 2, 0, 7, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मैंने पॉइंट के बाद 0, अगर मैं इसे इस वैल्यू को ये भी राइट कर सकता हूँ 1.0 तो मतलब ये 1 डिजिट होगा जिसे राउंड ऑफ कहते हैं करना। अगर मैं इसे ये नहीं कहता, मैं कह दूं 1.02 है मेरे पास, ठीक है, मतलब कि 1 के बाद 0.02 पॉइंट आगे और जाना है। अब मुझे ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है ना, एक नंबर जो होता है ना 1, उसमें हमेशा 100 पॉइंट होते हैं, उसमें कितने पॉइंट होते हैं 100 पॉइंट होती है। फिर एक पॉइंट के सब पॉइंट भी होते हैं यानी कि उसके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो हमेशा जब भी आंसर मैच किया जाता है ना तो पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले वाला डिजिट सेम है, सेम है दोनों में, तो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता होता है जो कि हमेशा सेम नहीं आता। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि हम पॉइंट के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन हुई थी ना, कुछ वैल्यूज आई थी उनकी वैल्यू थी 15.249567898, इस तरह वैल्यूज होती हैं कैलकुलेटर पे राइट होती। हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट राइट करते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं। जब ये पॉइंट स्किप किए जाते हैं ना तब ये डिफरेंस आता है पॉइंट के बाद का। हमेशा जब भी आंसर मैच करना तो पॉइंट से पहले वाला डिजिट को सेम समझा, पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखो सेम है, मतलब कि आंसर सेम है। ये जो डिफरेंस आया ना हमारे पास, ये डिफरेंस ये हमेशा इन पॉइंट्स की वजह से आया हमारा। अब क्लियर हुआ? तो इस चीज पे आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट से पहले वाला डिजिट और पॉइंट के बाद पहला डिजिट, पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स यानी कि रियल पार्ट तो हमेशा सेम होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट में पॉइंट के बाद पहला डिजिट हमारा सेम है ना तो आंसर सेम है हमारा, ठीक है। ये हमेशा पॉइंट की और मिस्टेक्स की वजह से डिफरेंस आता है इसमें, ठीक है। ओके सर, माय मदर टोल्ड मी अ मेथड एंड इन इट द आंसर वाज 1.0024। जी बच्चे उसमें भी आ जाता है, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स में डिफरेंस की वजह से हमेशा ये डिफरेंस आता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर कोई गलत नहीं है। अच्छा मैंने लास्ट टाइम एक बात समझाई थी कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास पता क्या, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 100 से ज्यादा मेथड होते हैं, ठीक है। अगर आपको एक टीचर किसी और मेथड से करवा रहा है, दूसरा टीचर किसी और मेथड से करवा रहा है, मतलब ये नहीं कि वो दूसरा रॉन्ग है या पहला रॉन्ग है, हमेशा यानी कि मेथड देखा जाता है और कैलकुलेशंस देखी जाती है। पॉइंट के बाद वाला डिफरेंस जो हमेशा किसी और वजह से आता है, कैलकुलेशंस की वजह से, ठीक है। क्लियर हुआ? अब क्लियर ऑल्सो इन सी पार्ट सी में क्या डिफरेंस आया बच्चे, सी का क्या आंसर था, हमारा क्या आया था आंसर? सर सी पार्ट में बहुत इजी कैलकुलेशन थी, उसमें उसमें वो पावर वाला नहीं आया था। मैं पावर यानी के 4913 का इंडेक्स 3, ये वाला सर उसमें 4 पावर 3, ये क्वेश्चन था हमारा उसमें, सॉरी यही था सी पार्ट। यस उसमें सर लाइक बहुत इजी था कि 54 को पहले मल्टीप्लाई किया 3 तो 64 आ गया और अच्छा। फिर 60 जी और इसको और फिर 4913 पावर 0.33 ली और दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया हमने, सिंपल यही था मेथड। हाँ ठीक है आपने ठीक किया सर, इसका 4913 का क्यूब रूट लेना था तो 17 आ गया और 60
81 का स्क्वायर रूट लें तो 9 आता है और 9 आंसर आ गया फिर। जी ठीक हो गया, ठीक है पावर के बगैर वाला सी है, ठीक है। अच्छा ना ये जो है चीजें ये साथ साथ जो है ना क्लियर करते जाया करो, ठीक है। अगर कोई मेथड आपको कोई और करवा रहे हैं ना तो वो साथ साथ डिस्कस करते जाना है, डिस्कशन करनी तो वो करें। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं जस्ट राइट आउट करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन जी बताए, can you wait a minute? अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है आप सात क्वेश्चन पूछे, मैं बाकी ये गाइड कर दूं क्योंकि हमने ये साथ साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट आर प्राइम नंबर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, ठीक है। इसमें हमारे पास पार्ट आ जाते हैं, ए पार्ट है 667। इसके फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं, आपने चेक आउट करना है। इसे पहले 2 पे ड्रॉ करना है, 2 पे ना हुआ डिवाइड तो 3 पे, 3 पे ना हुआ 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। 9 तक आपने चेक आउट किया, अगर ये डिवाइड हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। अगर ये डिवाइड ना हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, जस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ए और बी पार्ट है हमारे पास 677 और सी पार्ट है हमारे पास इसका 2021 और डी पार्ट है हमारे पास 2027। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, डू योरसेल्फ, ठीक है। अगर इनमें से ना हुआ कोई तो फिर मैं करवा दूंगा, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है बच्चे, तो अगर आप लोगों को बर्डन लगे कि काम ज्यादा दिया है सर ने, तो किसी और को कहने की बजाय मुझे आप लोगों ने कह देना है, कहना है कि सर ये काम ज्यादा है, ठीक हो गया। अगर मैं आप लोगों की बात ना सुनूं फिर आपने किसी और से कहना है, ठीक है। अच्छा आप बताएं किसको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी, जल्दी बताएं, टाइम आपको आने वाला है। जी सर, हमारा पीछे आंसर होगा 9, ऐसे ही है सर। नहीं हमारा 8.97 नहीं आया था, हमारा आया था 8. कितने डिजिट थे हमारा, 8.9736 आया था हमारा। तो बच्चे मैं बता रहा हूँ, 8.9736 आया ना हमारे पास, ये आंसर आया, पीछे आंसर लिखा हुआ 9। अब देखो कि पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 9736। अब इसको मैं जब राउंड ऑफ करूंगा, 6 को राउंड ऑफ किया तो ये 4 आया, 4 को राउंड ऑफ करूंगा ये 7 एज इट इज रहा, 7 को राउंड ऑफ किया तो ये 10 हो जाएगा, 10 पॉइंट्स कंप्लीट हुए तो 1 इसमें ऐड होके 9 हो जाएगा ये पूरा। मैं बच्चे आप लोगों को बता रहा था कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हम मैंने कैलकुलेशन करवाई है आपको एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने आंसर हमारे पास पूछा था 4 डेसिमल प्लेस पर। तो जब मैं वैल्यूज राइट आउट करता था ना, मैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट राइट कर रहा था। आपने कैलकुलेटर से जब क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट फाइंड आउट करके आपने क्या किया है कि उसे डायरेक्ट उसमें पूरी वैल्यू 64 ऐड की है, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो वो एग्जैक्ट पूरी वैल्यू आई हमारे पास, बात समझ रहे। मैंने मेथड करवाया, 1 को डिवाइड किया 3 पे डिवाइड करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, क्यूब रूट कर लेना नहीं बताया अभी किसी को। उसकी रीजन क्या थी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर मैं सी पार्ट इसका बता रहा हूँ अभी, जब क्योंकि क्यूब रूट को अगर मैं डिस्कस करता ना तो ऑटोमेटिकली मैं बर्डन ज्यादा हो जाना था। अगर आपने आए थी ये इस मेथड से कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। 9 आंसर और 8.9736 में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने अभी डिस्कस किया कि पॉइंट के बाद हमेशा एक नंबर में 100 पॉइंट्स होते हैं, तो जब इसको राउंड ऑफ करता हूं तो ये 9 एग्जैक्ट बन जाएगा नंबर, ठीक हो गया ना। तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे आंसर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। जी यशवा, हाँ जी, हाँ जी, हम दोनों लिख सकते हैं और फिर नहीं, दोनों सही होंगे, दोनों सही। अगर मेरे मेथड से आप क्वेश्चन करते हैं तो ये आंसर लिखेंगे वो भी ठीक है, अगर आपने जो अपना मेथड किया उसके अकॉर्डिंग 9 आंसर आ रहा है तो वो भी ठीक है। क्लियर, अब
जी यशवा जल्दी पूछो बच्चे। सर क्वेश्चन नंबर 7 का एक पर पूछना। अच्छा चलें, ओ हुज़ैफ़ा ने पूछना है। जी हुज़ैफ़ा। सर क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट का समझ नहीं रहा था। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आपने यूट्यूब पे लेक्चर देखा था मेरा? सर यस, तब भी नहीं लगी सीखना। अच्छा अब जो है टाइम है हमारे पास 3 मिनट्स हैं बच्चे, उसमें इशू क्या? अच्छा ये क्लियर है ना, ये कर लेंगे ना क्वेश्चन आप लोग? यस हाँ जी, ये करना है खुद आप लोगों ने। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सेम वही क्वेश्चन है, प्राइम और कंपोजिट नंबर बताना है। सर नोटबुक पे ना? हाँ हाँ नोटबुक पे करना है आपने, और आंसर चेक करते जाना है आप लोगों ने। अच्छा साथ साथ। अच्छा ये बात कर रहा है कि 7 पावर 2 -3 61 इसका स्क्वायर रूट +20। सबसे इजी क्वेश्चन था यार। 7 पावर 2 का मतलब के 7 पावर 2 का मतलब के 7 मल्टीप्लाई कर दिया। 361 का स्क्वायर रूट लेना, कैलकुलेटर पे साइन है स्क्वायर रूट का, ये वाला साइन ये प्रेस किया और अंदर राइट आउट कर देना 361, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे राइट आउट कर देना, मीन के स्क्वायर रूट 361 19 हमारे पास यहाँ पे आ गया। और 21 की पावर 3 के 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्या होना 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 7s are 49, ये 19 as it is। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, आंसर आया 9261। अब ये देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये भी प्लस का साइन, जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ प्लस का साइन, सेम साइन हो हमेशा वैल्यूज प्लस होती हैं। ये 49 प्लस किया 9261, जो आंसर आना उसमें से 19 सब्ट्रैक्ट कर देना आपने। अब इसमें ऐड किया मैंने 49, तो मेरे पास आंसर आया 9310, यही आता है ना? यस सर। 9261 में ऐड किया 49 9310 9310, अब इसमें से 19 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ जी, अब 9291 ये आंसर आएगा। अब क्लियर है बच्चे? यस। चलें शुक्रिया, थैंक यू बच्चों।